हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो 3D इमेजेस के ऊपर काम करने वाले हैं, आप देख रहे होंगे ये मैंने ना मेरे सामने तीन फाइलें ओपन हैं, एक लाइट डार्क और ये कुछ ज़्यादा डार्क है। तो इन तीनों पिक्चरों को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मर्ज करेंगे, प्रो HDR जिसे कहते हैं। और उसके बाद उसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर डिटेल जो डार्क एरिया वहाँ पर भी डिटेल आ जाएगी और जो लाइट एरिया है उसमें भी डिटेल आ जाएगी। तो ये तीनों इमेजेस जो हैं वो 3D इमेजेस हैं, तो इनको 3D के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। तो 3D के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कलर फिक्स करेंगे, आप देख रहे होंगे ये थोड़े से कलरों को इनहांस करेंगे और ये जो आपको बॉटम के अंदर ट्राइपॉड नज़र आ रहा है इसको रिमूव करने वाले हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फाइल में जाते हैं, फाइल में ऑटोमेट के अंदर हमें मिल जाएगा मर्ज टू HDR प्रो, ठीक होगा, इसको आप क्लिक करें। ये हमसे फाइल की डिमांड कर रहा है, तो ब्राउज करते हैं, हमें तीनों फाइल मिल जाएंगी, इनको हम लोग करेंगे सिलेक्ट और ओपन कर लेंगे और प्रेस ओके कर देंगे। कुछ टाइम ये लेगा, उसके बाद ही हमें दिखाएगा। नाउ हमारे पास ये इंटरफेस आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर हमें जो 32 16 बिट और 8 बिट तीनों का ऑप्शन मिलता है। तो हम लोग 16 के साथ ही कैरी ऑन करेंगे, ओके कर देंगे। आप अपने हिसाब से देख लें आपको कितने में फ़ाइल, अगर आपके यूज़र की या क्लाइंट की डिमांड ज़्यादा की है। हिट ओके करने के बाद हमें ये क्या करेगा, फाइलें जो ना वो मर्ज करके शो करवाएगा। नाउ हमारे पास जो पिक्चरें हैं वो मर्ज हो चुकी हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कलर्स फिक्स करेंगे, तो उसके लिए हमें कैमरा रॉ में जाना पड़ेगा। कैमरा रॉ ओपन हो चुका है, उसके बाद जस्ट कलर को फिक्स करते हैं। तो मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ। आफ्टर एंड बिफोर ओके, और पिक्चर रेडी हो चुकी है। तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, JPEG के अंदर ना सेव कर लेते हैं, फाइल और सेव एज। फाइनल के नेम से इसको सेव कर लेते हैं JPEG फॉर्मेट के अंदर, ये हो गया ओके। को कैंसिल करने के बाद अगेन हम लोग अपनी ना इसी फाइल को ओपन कर लेंगे, क्योंकि जो आगे हमारे पास वर्जन था वो वाला JPEG नहीं था, अभी JPEG वर्जन है, तो हम लोगों ने ये ट्राईपॉड को रिमूव करना है। अभी हम लोग इसी पिक्चर को 3D Pinoma के अंदर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। उम्मीद है ये काम करेगा, तो थोड़ा ये सेकेंड लेगा, सम सेकेंड, उसके बाद ये इसने ओपन कर दी है। अभी हम इसको अपर और डाउन साइड लेके जाते हैं। नाउ ये आप देख रहे होंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये ट्राईपोड है जो हमें पिक्चर के अंदर ना शो हो रहा था, इसको क्या करेंगे, सिंपल इसकी सिलेक्शन लेके और इसको हीलिंग ब्रश के साथ या आप कंट्रोल बैक स्पेस के साथ ये इसका कंटेंट अवेयर अप्लाई कर देंगे, ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो गया। कंट्रोल डी के साथ सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, जो हमें लाइनें नज़र आ रही हैं इसे हम हीलिंग ब्रश के साथ जो है ना वो रिमूव कर देंगे। तकरीबन पिक्चर रेडी है, अगेन हमें 3D में जाना है और एक्सपोर्ट फिनोमा अप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पे फाइनल 02 के नेम से इसको सेव कर देता हूँ। अभी हमारी इमेज रेडी हो चुकी है, फर्स्ट में आपको ट्राईपॉड नज़र आ रहा था और इसमें खत्म हो गई। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।